फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवन क्रिएशंस। मेरा नाम है गौरव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ मैकबुक एयर 2020, जो मैंने रिसेंटली पास की एप्पल स्टोर से परचेज किया है। मुझे यहाँ एक बहुत अच्छी डील मिल गई थी, तो मैंने डायरेक्ट एप्पल स्टोर से ले लिया इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑनलाइन। तो जनरली हम किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, और अगर वो प्रोडक्ट एप्पल का हो तो वो फीलिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसी है इसकी पैकेजिंग, कैसी दिखती है मैकबुक एयर और अंदर की एक्सेसरीज एक्सेट्रा। लेट्स बिगिन। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका बॉक्स बाहर से, कुछ खास ऊपर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बहुत ही प्लेन सा बॉक्स है। खोलते हैं इसे। इस बॉक्स के अंदर जो एक्चुअल एप्पल का बॉक्स है वो है, तो उसे निकालते हैं। ये है हमारी मैकबुक का एक्चुअल बॉक्स, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जनरली जो भी एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका बॉक्स होता है, उसमें कुछ एक शुरू से ही एक वैक्यूम सा होता है जिससे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये बहुत ही आराम से स्लाइड करके निकलता है। मैंने इसे हवा में उठा लिया है, थोड़ा सा लिफ्ट कर लिया है, और ये आराम से स्लाइड होके धीरे धीरे निकल रहा है। ये थोड़ा ऑड भी लगता है कुछ लोगों को, बट देखा जाए तो इसकी भी अलग से एक फीलिंग है, अच्छा सा भी लगता है। ऑलमोस्ट ओपन हो गया है। तो ये है, अंदर एक प्लास्टिक की शीट है मैकबुक के ऊपर, लिफ्ट करने के लिए हल्का सा प्लास्टिक बाहर आ रहा है। एक बार मैं मैकबुक को साइड रख देता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यूजुअल डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और इसके अंदर बहुत ही बेसिक सी कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और क्योंकि ये स्पेस ग्रे है तो स्पेस ग्रे कलर के स्टिकर्स, एप्पल स्टिकर्स, जो आप कहीं भी चूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मैं अभी के लिए साइड रख देता हूँ। ये है चार्जिंग ब्रिक, जिसे हम अडेप्टर भी बोलते हैं, और ये है इसकी केबल जो USB-C to USB-C इंटरफेस है। इसके अलावा कुछ खास नहीं है बॉक्स में, बेसिकली कुछ और नहीं है, तो इसे मैं रख देता हूँ। ये है मेरी मैकबुक। प्लास्टिक की जो शीट है इसे मैं पील ऑफ कर देता हूँ। इसे साइड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह दिखती है एप्पल की मैकबुक एयर 2020। बहुत ही अच्छा बेसिक स्लीक डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ पोर्ट्स भी नहीं है इसमें। राइट साइड पे आपको मिलेगा 3.5 mm जैक, पीछे कुछ नहीं है, और लेफ्ट साइड पे हैं दो USB-C पोर्ट्स। इसके अलावा कोई भी और पोर्ट नहीं है मैकबुक में। तो इन्होंने ये डिज़ाइन 2020 में इसे इस तरह से बनाया है, और नीचे आपको मिलते हैं चार रबराइज स्पॉट्स जो इसे फ्रिक्शन देते हैं व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ टेबल और समथिंग। ऊपर सिंपल सा एप्पल लोगो मिलता है जो कि ग्लो नहीं करता है। जो लास्ट मैकबुक एयर आई थी जिसमें एप्पल लोगो ग्लो करता था, दैट वाज इन 2017, उसके बाद से ये नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। टोटली एल्यूमिनियम फिनिश की है ये, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत अच्छी बॉडी है इसकी। ये मैंने पेपर की शीट निकाल दी है, और इसे ओपन करते ही मैकबुक एयर ऑन हो जाती है। देखिए जैसे ये बूट कर रहा है। तो अब मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ, और देखते हैं सेटअप करने के बाद कैसी लगती है। तो मैंने इसे सेटअप कर लिया है, और इनिशियल इंप्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है। हालांकि मैंने अभी इसमें कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं डाला है, इट इज़ रनिंग ऑन स्टॉक एप्पल सॉफ्टवेयर ओनली। और अगर मैं स्क्रीन की बात करूं, स्क्रीन काफ़ी इसकी ब्राइट है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं। कीबोर्ड जो है वो बैकलिट है, काफ़ी शानदार है। ट्रैक पैड बहुत बड़ा है, जेस्चर्स यूज करने में काफ़ी मज़ा आएगा। कुछ दिनों में मैं इस लैपटॉप को इसकी लिमिट्स तक पुश करने की कोशिश करूंगा, जो कि 4K वीडियो एडिटिंग में पॉसिबल है, और देखूंगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है।
अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।